हेलो एवरीवन, दिस इज अर्पित विद अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑन माय चैनल गाइस। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टीडीएम की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आप किसी से वन वी वन करते हुए यूज ले सकते हो। जो भी मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ आपकी बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाली है आपको, और इस वीडियो को पूरा देखना एंड तक, बिकॉज कुछ मिस्टेक्स जो मैंने किए वो भी आपको पता चलेंगे और आई होप कि वो मिस्टेक्स आप नहीं करोगे। और पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस पता है किससे बढ़ता है, जब मैं अपनी वीडियोस को दोबारा देखता हूँ और उनके ऊपर मतलब या तो वीडियो बनाता हूँ कोई टिप्स एंड ट्रिक्स बनाता हूँ, तब तो मुझे समझ में आता है कि यार मैंने बहुत सारी गलतियाँ की थी और वो मैं सुधार सकता हूँ। ठीक है, तो अगर आप भी रिकॉर्ड कर सकते हो, अगर आपके पास एक अच्छा डिवाइस है तो प्लीज़ उन चीज़ों को रिकॉर्ड करो जहाँ पे आप मरते हो या फिर जहाँ पे आप मिस्टेक्स करते हो, उनको दोबारा देखो, जिससे आपको 100% कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब देखो, आज की इस वीडियो की सबसे पहली चीज़ बता देता हूँ कि ये वीडियो पूरी की पूरी रॉ होने वाली है। मैं जितनी बारी मरूंगा और जितनी बारी मारूंगा मैं किसी भी चीज़ को क्रॉप या ट्रिम नहीं करने वाला हूँ। और एक और चीज़, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक बटन पर क्लिक कर दो। अब देखो, यहाँ पे मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गई थी। प्रॉब्लम ये थी कि सामने वाले बंदे ने जो एनिमी था उसने लेज़र साइट उठा रखी थी। ठीक है, गन में आप देख सकते हो मैंने उसकी गन उठाई और उसने लेज़र लगा रखी है, और बिलीव मी वो उस लेज़र को बहुत अच्छे से चलाना भी जानता था। अब देखो, पर्सनली मैं अगर बताऊँ तो मैं लेज़र साइट नहीं लगाता हूँ अपनी गन्स में टीडीएम खेलते टाइम, क्योंकि मुझे लेज़र साइट के बिना ही प्रैक्टिस करना ज़्यादा पसंद है। बिकॉज क्योंकि हम देखो, अगर क्लासिक वगैरह खेलते हैं ना तो उसमें भी हम लेज़र साइट का यूज़ नहीं करते हैं, तो अगर यहाँ पे लेज़र साइट का यूज़ करके मैं टीडीएम खेलूँगा तो फिर क्लासिक में विदाउट लेज़र है ना प्रॉब्लम होने वाली है, तो इसलिए मैं यहाँ पे भी नहीं लगाता। बट इसे जैसे मुझे मौका मिल रहा था मैं उसकी लेज़र साइट जरूर उठा रहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था। ऑब्वियसली जब भी आप गेम खेलते हो ना, आपको एक ईगो रेडी हो जाता है हर्ट होने के लिए कि यार मैं अगर हारा ना तो मुझे बहुत गुस्सा आने वाला है, ईगो हर्ट नहीं करना है। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा था कि मैं उसको हराऊं। और अब मैं कुछ अपनी ट्रिक्स बताता हूं जिस तरह से मैं उसे मार पा रहा था, ठीक है, और उसको बेट कर पा रहा था, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आती है और मैं हमेशा करता हूं टीडीएम प्लेयर्स के साथ। क्योंकि कई होते हैं ना जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से टीडीएम खेलना जानते हैं, तो तुम उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम मत करो। क्योंकि देखो, एक अच्छे टीडीएम प्लेयर को पता होगा कि कौन सा प्लेयर कब कहाँ से आने वाला है और किस तरह से उसको मारना है। तो अगर तुम उसके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे, ठीक है, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली काम करोगे तो तुम उसको मार पाओगे। तो मुझे पता था कि इसको पता है मैं कहाँ से आने वाला हूँ, कैसे आने वाला हूँ, तो मैं कोशिश कर रहा था कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें करने की। तो अब धीरे धीरे करके आपको समझाना चालू करता हूँ। पॉइंट नंबर वन, टीडीएम में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिन पर आपको फोकस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब देखो, कई बार हम फोकस नहीं करते हैं कुछ चीज़ों पर क्योंकि हमारा फोकस एक ही जगह पर रहता है कि सामने वाले बंदे को मारे कैसे। फॉर एग्जाम्पल, मेरा स्कोर 2 है और सामने वाले का 5 है, ठीक है, अभी जैसा आपको दिख रहा है उसका एग्जैक्ट उल्टा है, तो मैं पैनिक हो जाऊंगा। मैं आप लोगों की बात कर रहा हूं, आप में से कई लोग ऐसे होते होंगे कि चलो यार पैनिक हो जाते हैं थोड़ा बहुत और है ना मारने की ज़्यादा कोशिश करते हैं, उस चक्कर में काम उल्टा होने लग जाता है और मार भी नहीं पाते, जिस तरह से स्कोर और डाउन चला जाता है। ठीक है, तो आपको जिन चीज़ों पे फोकस करना है वो ये है। सबसे पहला एम, क्रॉसियर को हमेशा हेड लेवल पे ही रखना है, और इसके लिए सच बताऊँ कोई भी ज़्यादा ट्रेनिंग व्रेनिंग काम आने वाली नहीं है। ठीक है, आपने अगर बिल्कुल भी हेड लेवल पर कभी नहीं किया क्रॉसियर, तो उसके लिए आप एक दो बार ट्रेनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, बट आपको फोकस रखना है हेड लेवल पर एम रखने का। ठीक है, देखो मैं जब एडीएस भी खोल रहा हूँ ना तो भी हेडशॉट लग रहा है थोड़ा थोड़ा, कभी कभी लग रहा है कभी कभी नहीं लग रहा, बट कोई बात नहीं। बट आपको फोकस पूरा इस पर रखना है, चाहे आपका स्कोर कुछ भी हो, आपका स्कोर कम भी हो ज़्यादा भी हो, डजेंट मैटर, बट कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर फोकस करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, एक तो ये हेड वाला सीन, टीडीएम खेल रहे हो तो हेड मारना बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज टीडीएम में डिले रहता है हमेशा, ठीक है, पिंग विंग का और इन सब चीज़ों का, तो इसलिए आपको हेडशॉट मारना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, यहाँ पे आपको एक और चीज़ फोकस करना है, वो ये है कि आप सामने वाले एनिमी को बेट कैसे कर सकते हो। जैसे अभी इसने लास्ट किल आपने देखा किस तरह से मारा, उसने मेरे को प्रॉपरली बेट करके, वो बार बार अंदर जाता है फिर बाहर आके मारता है, तो इससे क्या होता है कि मैं कंफ्यूज हो रहा था कि यार वो सच में राइट से आने वाला है या सच में लेफ्ट से आने वाला है, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था, सामने वाले ने मुझे बहुत अच्छे से बेट किया था, तो मैं भी आपको आगे बेट करके दिखाने वाला हूँ, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपको बताया था कि कोशिश करना कि लेफ्ट साइड से फाइट कम लेना। ठीक है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और आप सभी को पता होगा कि लेफ्ट साइड से फाइट लेने में आपकी खुद की बॉडी ज़्यादा एक्सपोज हो जाती है, बिकॉज गन हमारे राइट हैंड में रहती है, तो लेफ्ट साइड पर अगर आप फायर करने जाओगे तो पहले बॉडी एक्सपोज हो जाएगी, गन बाद में बाहर आएगी, जितने में वो आपको मार देगा और आपकी गोलियां भी नहीं लगेगी। ठीक है, और अगर आप राइट में फाइट लेते हो तो उससे आप ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि आप जीत पाओ। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, एक अच्छा टीडीएम प्लेयर है ना और अगर वो क्लोज रेंज में वैसे भी अच्छा है तो प्लीज़ उसके सामने प्रोन कम से कम करना। ठीक है, ये तो मैंने अपना एक्सपीरियंस किया हुआ है और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि मतलब ये चीज़ अगर आप मर भी रहे हो शायद आपको पता भी ना हो कि यार मैं प्रोन करने की वजह से मर रहा हूँ, ये कोई और रीज़न है। ठीक है, तो प्रोन मत करना अगर सामने वाला बंदा क्लोज रेंज में अच्छा है तो, बिकॉज वो इतना ज़्यादा जिगल दे देगा कि प्रोन करने के बाद है ना उस जिगल को ट्रेस करना इज़ लाइक क्लोज टू इम्पॉसिबल हो जाएगा आपके लिए। और जब मैं प्रोन कर देता हूँ सामने वाला जिगल दे रहा होता है ना, तब तो मेरे लिए उसको ट्रेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे मेरा बैग खुल गया अनफॉर्चुनेटली, वरना शायद ये फाइट जीत सकता था मैं, बट कोई बात नहीं, इसका स्कोर बहुत ज़्यादा हो गया और इसने मुझे बोला कि क्या कर रहे हो,
और मैं इसको बताने वाला हूँ कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ। और ये यहाँ पे कूदते मर गया, इसको भी हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बराबर स्कोर चला गया, अब थोड़ा सा गेम खेलने का टाइम है। बट आपको चलो और टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ थोड़ी सी और चीज़ें बता देता हूँ। पॉइंट नंबर 5, अगर आपके सामने वाला एनिमी किसी डोर के अंदर बैठा हुआ है, किसी भी, जैसे मान लो ये वेयर हाउस है, ठीक है, वेयर हाउस के अंदर बैठा हुआ है और आपका वेट कर रहा है गन को बिल्कुल आपके मुंह की तरफ करके कि आप आओगे यहाँ से और वो आपको मारेगा, तो कई बार क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंस में, ईगो में आके हम लोग जाते हैं उसे मारने, उस टाइम गड़बड़ हो जाती है। एग्जाम्पल आपको ये वाला समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो वेट कर रहा था, जैसे मैं गया मेरा एम पूरा खराब हो गया बिकॉज मुझे उसके एंगल का पता ही नहीं है। अब जब मुझे उसके एंगल का पता ही नहीं है तो मैं वहाँ जाके करता भी गया, तो वो बिल्कुल एंगल लेके बैठा था और जैसे मैं बाहर गया उसने मुझे भर दिया। तो ये वाला सीन होता है ना, इसका थोड़ा ध्यान रखो, अगर आपके सामने वाला एनिमी होल्ड करके बैठा हुआ है और वो थोड़ा बहुत मूव भी कर रहा है, आपको वेट कर रहा है, ठीक है, तो मत जाना भाई, दिक्कत हो सकती है, 100% वो आपको पेल देगा। पॉइंट नंबर 6, द टेक्निक ऑफ प्री फायर, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो मैं जिस तरह से उसे मारने की कोशिश कर रहा हूँ ना, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ प्री फायर करने की, और इतना ज़्यादा प्री फायर किया ना तो इतने में वो बंदा भी एग्रेसिव हो गया, उसने भी प्री फायर करना चालू कर दिया और मैंने दूसरा एंगल बनाया तुरंत और उसे मार दिया। अब द वर्ड इज़ द टेक्निक ऑफ प्री फायर का मतलब आपको बता देता हूँ कि प्री फायर सिंपल देना एक बहुत ही सिंपल काम है, बट द टेक्निक आपको क्या करना है, अलग अलग जगह से प्री फायर देना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ काफ़ी वीडियोज़ में कि एक ही जगह से पीक मत करना बिकॉज सामने वाला बंदा तुम्हें उस जगह पर प्री फायर देके मार सकता है। तो अगर तुम एक ही जगह से जब पीक ही नहीं कर रहे हो तो एक ही जगह से प्री फायर करने का भी क्या फायदा, अगर तुम एक कंटेनर के पीछे हो जहाँ पे तुम्हारे पास दो एंगल है तो तुम दोनों जगह से इस तरह से प्री फायर करो अपनी टेक्निक बना के कि बारी बारी, मतलब उसको लगे भी ना कि तुम अब यहाँ से पिक करने वाले हो और उसको ये भी ना लगे कि तुम राइट से पिक करने वाले हो लेफ्ट से पिक करने वाले हो, तो इस तरह से तुम प्री फायर की टेक्निक का यूज़ कर सकते हो। पॉइंट नंबर सेवन के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, वो जस्ट बातों में काम नहीं चलने वाला है। मैं आपको बता देता हूँ किस बारे में बात कर रहा हूँ, कि जब भी आप पीक करते हो ना कोशिश करो हेड लेवल पर डायरेक्टली गोलियाँ कनेक्टेड हो जाए। अब देखो मैंने पीक किया, मैंने काफ़ी सारी गोलियाँ बॉडी पर कनेक्ट कर दी बट हेड पर नहीं कर पाई, ये एक मेरे लिए डिसएडवांटेज था। अगर वो गोलियाँ जो मैंने अभी बॉडी पर कनेक्ट किया वही हेड पर कनेक्ट हो जाती ना, इतना देर मुझे फाइट लेने की जरूरत नहीं पड़ती, स्टार्टिंग की 4 गोलियों में बंदा खत्म हो जाता। बट चलो कोई बात नहीं, लोगों के साथ सिर्फ इतनी ही प्रॉब्लम नहीं है कि वो बॉडी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, हेड कनेक्ट नहीं कर पा रहे, लोगों के पास इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि वो गोलियां कनेक्ट नहीं कर पा रहे। तो अगर आप पीक करके सामने मूव करते हुए बंदे को प्रॉपरली हेड या बॉडी कुछ भी नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो ना, तब तो आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो बट मेरे हिसाब से आपको पीक करते ही काफ़ी सारी गोलियां कनेक्ट कर देनी चाहिए ताकि बंदा आधे ज़्यादा वहीं पर लो हो जाए, मैं लॉ हो जाए बोलने वाला था, बट लो कर दो बंदे को, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा था कि विदाउट एडीएस जो पीक वाला ऑप्शन है वो करके देखूं, बट मुझसे अच्छे से नहीं हुआ क्योंकि मैं अभी भी उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और लास्ट वीडियो में मैंने पीक के ऊपर बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से करना है, और यहाँ पे भाई बंदे ने शायद मुझे एक दो हेड और बॉडी चिपका दी और मुझे मार दिया। तो यहाँ पे 13-11 का स्कोर हो चुका है, अब स्कोर को थोड़ा सा गैप देने की ज़रूरत है, लाइक अब मुझे ज़रूरत है इसे मारने की। और यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा था कि लेफ्ट साइड से ना फाइट लूँ, बट फाइट हो ही गई, और जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है लेफ्ट साइड वाली फ़ाइट लेना, क्योंकि मैं जैसे जैसे बाहर निकलता हूँ उससे पहले तो मैं आधे से ज़्यादा डैमेज हो जाता हूँ, मारने की तो दूर की बात है। तो मेरे हिसाब से ये वाला पॉइंट मैंने सेकंड या थर्ड बताया था, तो कोशिश करना कि लेफ्ट साइड से फाइट कम लेना। और इस बंदे को भी पता है कि मैं लेफ्ट साइड में वीक हूँ, तो ये बार बार अपना राइट आ रहा है, मतलब मेरे लेफ्ट साइड से ही फाइट ले रहा है। तो अगर तुम्हें लगता है कि सामने वाले बंदे का कोई भी पॉइंट वीक है तो तुम उसे भी यूज़ कर सकते हो एज अ लाइक कवर, आप बचने के लिए और उसे मारने के लिए उस पॉइंट का यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है, मैं एनिमी को रीड करता हूँ और मुझे पता चलता है कि यार उसका क्लोज रेंज वीक है या फिर वो प्री फायर में बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो मैं वो दो चीज़ें बहुत ज़्यादा करता हूँ। लाइक लगा मुझे क्लोज रेंज वीक है तो मैं पूरा को पूरा ओपन में जाके जिगल फाइट लेता हूँ, या फिर मुझे लगा कि भाई उसका उसको उसको प्री फायर में आ रहा है, उसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि प्री फायर से बचना कैसे है, तो मैं अपनी नॉलेज यूज़ करता हूँ प्री फायर की, द टेक्निक ऑफ प्री फायर, और फिर प्री फायर देता हूँ। यहाँ पे देखो ये वही वाला सीन हुआ, वो जस्ट वेट कर रहा था कि मैं बाहर आऊँ, एम लेके बैठा हुआ था, जैसे ही मैं बाहर गया उसे मारने, उसने मतलब भर दिया मेरे को। पॉइंट नंबर 8, लेफ्ट साइड से अगर फाइट लेना चाहते हो ना तो एक चीज़ का और यूज़ कर सकते हो, पूरा को पूरा ओपन में आके इस तरह से देखो, आप थोड़ा थोड़ा बाहर आके मतलब डैमेज जो अंदर आओ करोगे ना तो वो लेफ्ट साइड से काम नहीं आने वाला है। आपको लेफ्ट साइड से अगर फाइट लेनी है ना तो बहुत ज़्यादा बाहर जाओ ताकि आपकी बॉडी पूरी की पूरी एक्सपोज हो जाए और उसके बाद जिगल दो, समझ रहे हो। अब मैं देखो थोड़ा थोड़ा बाहर जाके अंदर आऊँगा तो मेरे को ज़्यादा गोलियाँ पड़ेंगी और मेरे ज़्यादा गोलियाँ लगेंगी तो मैं जल्दी मरने के चांसेस रहेंगे, तो इसलिए ज़्यादा बाहर आओ, ठीक है, और मारो उसको जिगल देके, जिससे क्या होगा कि वो लेफ्ट साइड वाली जो प्रॉब्लम है ना, आपको पहले गोलियां पड़ता जाए वो बॉडी एक्सपोज हो जाती है, वो वाली प्रॉब्लम काफ़ी कम हो जाएगी। पॉइंट नंबर 9, अब मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर बेट करने का जो मेरा पर्सनल तरीका है ना वो क्या होता है। मैं बंदे को उस टाइम पे गोली मारता हूँ जब वो गोली चला चुका होता है, और ऐसा हर बार काम नहीं होता है क्योंकि काफ़ी समझदार बंदे भी आते हैं भाई खेलने। तो यहाँ पे देखो इस वाली क्लिप को, मैंने गोली चलाई, उसको बता दिया कि मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि ये हमारा रूल है, ठीक है। अब एक बार गोली चलाई, उसने चलाई, फिर मैंने चलाई, फिर उसने चलाई, फिर मैंने चलाई, मतलब देख रहे हो कब हम गोली चला रहे हैं।
जब सामने वाला गोली नहीं चला रहा है, ताकि हम उसके प्री फायर में ना आ जाएं। और जब सामने वाला गोली नहीं चला रहा है तो तुम पीक करके उसे तुरंत मार सकते हो। ये सबसे बढ़िया टेक्निक है। अगर सामने वाला गोली चला रहा है तब तुम पीक करोगे तो उसके मतलब प्री फायर में आ जाओगे, और वो सबसे गलत सीन हो जाता है भाई, उसका थोड़ा सा ध्यान रखना। अब यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा उस बंदे को डैमेज दिया, बट अनफॉर्चुनेटली वो हाइट के एडवांटेज पे था तो उसने मुझे हेड चिपका दिया। हाँ, एक और पॉइंट नंबर 10 में तुम ये भी यूज़ कर सकते हो कि अगर सामने वाले बंदे के पास हेड का एडवांटेज है तो फाइट मत लो, कोशिश करो उसको नीचे उतारने की। और अगर तुम्हारे पास हाइट का एडवांटेज है तो डेफिनेटली गो फॉर अ फाइट, और आप हेड कनेक्टेड करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे अगर आपके पास हाइट का एडवांटेज है। तो मैं पर्सनली ये यूज़ करता हूँ, जैसे रैंप वैम्प पे चढ़ के फाइट लेते हैं ना, तो सामने वाले बंदे को हेड ज़्यादा मार सकते हो आप, जिससे आपका ही फायदा होगा। तो यार, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड आई एम साइनिंग ऑफ। और TDM की वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना।